एक चौंकाने वाली कॉपी और पेन से आप क्या कमाल कर सकते हैं, उसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे पहले एक स्क्वायर वाली शीट लें और यहाँ पर एक देखिए नमूना है, 3, 2, 4। पेन को रखें 3 खाने ऊपर, फिर क्लॉकवाइज 2 खाने, फिर क्लॉकवाइज 4 खाने, फिर क्लॉकवाइज 3, क्लॉकवाइज 2, क्लॉकवाइज 4। इसी क्रम को जारी रखें, क्लॉकवाइज 3, क्लॉकवाइज 2, क्लॉकवाइज 4। और इस क्रम को आप जारी रखेंगे तो अंत में जिस बिंदु से आपने शुरू करा था उसी बिंदु पर वापस आ जाएंगे। एक और नमूने को देखते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 है, 1 खाना ऊपर, 2 क्लॉकवाइज, 3 डाउन। इसी क्रम को आप जारी रखिए और हर बार बस क्लॉकवाइज ही जाना है, 1, 2, 3, और देखिए सुंदर एक विंडमिल जैसी बन जाती है, एक पंखा बन जाता है। अब तीन दो और एक के नमूनों को देखेंगे, 3 क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज, 1 डाउन, 3, 2, 1, 3, 2, 1। यहाँ पर हमने पिछले पैटर्न को बस इन्वर्ट कराए तो नमूना भी इन्वर्ट हो गया, पर नमूना है दरअसल एक जैसा। अब इस नमूने को देखेंगे, 3, 1, 1, 3 ऊपर 1 डाउन। इसको आप करते जाइए, 3, 1, 1, और एक सुंदर एक नमूना बन जाएगा। एक और को निहारते हैं, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 up, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4। जिस बिंदु से शुरू हुए थे उसी बिंदु पे आ जाते हैं, एक बिल्कुल विंडमिल बन जाती है। अब इस नमूने को देखते हैं, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3 and 4। इसको ही जारी रखेंगे, 2, 3, 4, 2, 3, 4, हर बार क्लॉकवाइज। कितना सुंदर नमूना बना है। गणित का मतलब होता है नमूनों को पहचानना।